एंटार्क्टिका दुनिया का दक्षिणतम महाद्वीप है। दक्षिण ध्रुव इसके बीचों बीच स्थित है और अपने 140 लाख वर्ग किलोमीटर के विस्तार के साथ यह एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बाद दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये विश्व की सबसे ठंडी, शुष्क और तेज हवाओं वाली जगह है। यहाँ पर शरीर को गला देने वाली ठंड है और चारों ओर जहां तक नजर जाए बर्फ की चादर ही नजर आती है। एंटार्क्टिका पर कोई भी इंसान वहां का स्थायी निवासी नहीं है, लेकिन यहां पर विविध देशों के रिसर्च स्टेशन है जहां पर सालाना लगभग 2000 से 5000 लोग आते जाते रहते हैं। यहां पर भारत ने अब तक 3 रिसर्च स्टेशन डाले हैं, जिसमें से 2 एक्टिव है। एंटार्क्टिका में सिर्फ अतिशय ठंड में रहने वाली स्पीसीज और प्राणी ही बहुत ही कम संख्या में मौजूद है, जिसमें पेंगुइन, सील, निमेटोड, टार्डिग्रेड, पिस्सू, विभिन्न प्रकार की शैवाल और टुंड वनस्पतियों का समावेश होता है। आइए एंटार्क्टिका के रैंडम फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। एंटार्क्टिका यूरोप से 1.5 गुना और भारत से 4.5 गुना बड़ा है। ये खंड लगभग 53 लाख साल पहले बहुत गर्म स्थल हुआ करता था, जहाँ का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता था और वहाँ खजूर के पेड़ भी उगते थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि उस समय उसका भूभाग पृथ्वी के इतने दक्षिणी छोर पर नहीं था। पृथ्वी की प्लेट्स के सतत सरकने से आज एंटार्क्टिका दक्षिण छोर पर स्थित हुआ है। लाखों साल से हो रही इन गतिविधियों से पृथ्वी पर कई द्वीप, महाद्वीप और देश एक दूसरे से अलग अलग हुए हैं या एक दूसरे से जुड़ गए हैं। हम इंसानों ने नापा हुआ एंटार्क्टिका का आज तक का सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। ये टेम्परेचर आज तक का पृथ्वी का सबसे कम रिकॉर्डेड टेम्परेचर है। ये रिकॉर्ड 21 जुलाई 1983 में बना था। नॉर्वे के राउल्ड एम्यूटसेन पहले इंसान थे जो सबसे पहले दक्षिण ध्रुव तक पहुंच पाए थे। एंटार्क्टिका की कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर पिछले 20 लाख सालों से ना तो बर्फ गिरी है ना तो कोई बारिश हुई है, फिर भी वहां पर लाखों साल पुरानी बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद है। ये जगह पृथ्वी पर की सबसे शुष्क जगह है, इसलिए इसे ड्राई वैली भी कहा जाता है। एंटार्क्टिका में मैकमुर्डो नाम का अमेरिका का एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है जो 1962 से यहाँ चल रहा है। इस बर्फ के रेगिस्तान में औसतः 1.5 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर लगभग पूरे खंड में छाई हुई है। यहाँ पर पृथ्वी का 90% पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। यहाँ कई जगह ऐसी भी है जहाँ 350 किलोमीटर/आवर की स्पीड से हवा चलती है। पूरी धरती पर सिर्फ एंटार्क्टिका और न्यूजीलैंड ही ऐसी जगह है जहां पर किसी भी जाति के सांप नहीं पाए जाते। ये दुनिया का एक ही ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई टाइम जोन नहीं। एमेलियो प्लामा नाम का आदमी दुनिया के सबसे आखिरी छोर पर जन्म लेने वाला सबसे पहला इंसान बना। एमेलियो का जन्म एंटार्क्टिका में 7 जनवरी 1978 में हुआ था। एमेलियो की माता अर्जेंटीना से थी। ये अर्जेंटीना द्वारा खुद को एंटार्क्टिका का एक हिस्सा बनाने का प्रयास था, इसलिए अर्जेंटीना ने अपने देश की एक गर्भवती औरत को एंटार्क्टिका भेजा था। ये स्थान कई रहस्यों से भी घिरा है। कई वैज्ञानिकों का पुख्ता तौर पर यह दावा है कि एक समय पर इस जगह पे अति विकसित सभ्यता मौजूद थी। ग्रीक दार्शनिक प्लूटो ने भी 2000 वर्ष पहले एंटार्क्टिका की मानव सभ्यताएं और उसके संहार होने का वृतांत लिखा है, जो हमारे लिए चौंका देने वाला था, क्योंकि हम अक्सर मानते थे कि वहां पर जीवन संभव नहीं है। इसलिए ये जानकर कुछ रोमांचक मनुष्यों ने एंटार्क्टिका की सभ्यताओं पर रिसर्च करना शुरू किया और वहां पर जाकर खोजबीन की, तो कुछ अवशेष और जो तथ्य सामने आए वो प्लेटो के अनुमान से हूबहू मिलते जुलते थे। इस पर कुछ वैज्ञानिकों का यह कहना है कि हो सकता है सालों पहले हमारे अज्ञात इतिहास में हमारे ही कुछ पौराणिक सभ्यताओं के लोग उस समय इस जगह पे पहुंचे हो, और ये भी हो सकता है कि पिछले कई सालों से हो रहे रिसर्च सेंटर्स को चलाने वाले कई लोग इन अवशेषों को दिखाकर कोई भ्रम पैदा करना चाहते हो। सच आखिर कुछ भी हो, लेकिन आज तक इस पे रिसर्च हो रहे हैं, और इन सबसे महत्वपूर्ण नेचुरल एनवायरनमेंट की खोज, न्यूक्लियर रिसर्च और कई साइंटिफिक स्टडी आज एंटार्क्टिका में जोरों शोरों से चल रही है।
तो आज के लिए इतना ही। आगे नए स्थानों को एक्सप्लोर करेंगे नए एपिसोड्स के साथ। अगर आपने अभी तक द नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस मिल सके। आपका दिन शुभ और मंगलकारी हो। टेक केयर।